तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीड़ितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। तपस्या के बाद चल रहा था शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या एवं मानसिक तपस्या। हम लोग शारीरिक एवं वाचिक तपस्या विस्तार में देखा है, शास्त्र के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार। अभी मानसिक तपस्या के बाद शुरुआत हुआ है, जो कि भगवद गीता के सप्तदश अध्याय के 16 श्लोक में बोला है, 1716। मानसिक तपस्या किसको कहलाता है? इधर भी इनका 5 विभाग है, जो कि है मन प्रसाद, सौम्यत्तम, मौनम, आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस उच्यते। पंच ये विषय है, इसमें अगर हम पारदर्शिता लाभ करें उसको मानसिक तप कहा जाएगा। प्रथम है मन की प्रसन्नता, मन प्रसाद। द्वितीय सौम्यत्तम, सौम्य भाव। तृतीय मौनम, मौनम साधारणतः हम सोचते हैं मौनम ही नीरवता, साइलेंस, लेकिन यहाँ पर मौन का अर्थ नीरवता नहीं, मननशीलता, जो हम व्याख्यान करेंगे। चतुर्थ है आत्म विनिग्रह, आत्मसंयम, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी हम विस्तार करके चर्चा करेंगे। एवं पंचम है भाव संशुद्धि, भाव के ऊपर ही हमारा जीवन निर्भरशील है, उसको संशुद्धि होने जाना चाहिए। ये पंच चीज हो जाना चाहिए, इसको ही मानसिक तपस्या कहलाएगा। इसमें पहले देखते हैं मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, इसके ऊपर ही सब कुछ निर्भरशील है। यू ऑल वॉन्ट टू बी हैप्पी, कोई अपना प्रसन्नता नहीं खोना चाहते, लेकिन हम संसार में शिकार बन जाता है, वी बिकम विक्टिम ऑफ सिचुएशन, बाय विच वी लूज अवर नेचुरल मेंटल हैप्पीनेस। मन स्वाभाविक प्रसन्न है, मन स्थिर रहने से मन प्रसन्न होगा, लेकिन मन में जिसे हलचल हो जाएगा, पुश एंड पुल, मन अस्थिर हो जाएगा, और हमारा जो स्वाभाविक जो फ्लेवर ऑफ जॉय वी लूज। इस कारण इसका विस्तार से चर्चा जरूरी है कि हम क्यों, कैसे हमारा मन अप्रसन्न हो जाते हैं और कैसे हम मन को प्रसन्नता को स्थिर रखें, दोनों चीज देखना पड़ेगा। ये वाला हम शुरुआत किया है इस टॉपिक को, कि जब हमारा धन संपत्ति
स्त्री पुत्र आदि जो हमारे नाशवान पदार्थ है, हम इसको लेकर ही जब हमारा राग द्वेष हो जाता है, मन खुश रहता है, ये मन बिगड़ जाता है, तभी हम मन का प्रसन्नता खो बैठते हैं। कारण ये जो संसार में जो वस्तु व्यक्ति है, ये तो स्थिर नहीं है। दुनिया में छह चीज है जो कि परिवर्तनशील है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, देश, काल, घटना। और इसके ऊपर ही हमारे मन का स्थिति आधारित है। तो मन का स्थिति तो हम कभी ना कभी खो बैठेंगे, क्योंकि ये तो आने वाला जाने वाला है, परिवर्तनशील, आवागमनशील। तो जैसे आते हैं हमारा मन में आनंद होता है, इसे चले जाएंगे मन में दुख होगा। तो वेर ऑलवेज अंडर द टग ऑफ वॉर, पुश एंड पुल ऑफ प्लेजर एंड पेन। तो मन का जब ऐसी अस्थिर अवस्था है, तो उस मन में कभी सुख, शांति, आनंद नहीं हो सकता है। इसी कारण हम मन का जो स्थिरता को बैठते हैं। अभी मन का प्रसन्नता को कैसे हम आयत्त करें, मन को कैसे प्रसन्न रखें, कल हम बताया था, इसको चार उपाय है। प्रथम, कि जो परिवर्तनशील चीज है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना, देश, काल, इससे हमारा मन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, इससे हमें उदासीन रहना चाहिए, इसके ऊपर हमारे भरोसा नहीं रखना चाहिए। Our life should not depend on these changeable items. अगर हम इससे बजाय हम जो हमारे परिवर्तनशील नहीं है, जो बराबर हमारे साथ है, वह है ईश्वर, परमात्मा, जो बराबर है, इसके ऊपर हम निर्भर करना चाहिए, न कि जो बदलने वाला है। तो जब इसको छोड़ के हम भगवान के ऊपर निर्भरशील हो जाएंगे, जो बराबर हमारे साथ रहेंगे, तब हमारा मन का प्रसन्नता बराबर जाएगा। ये पहला चीज है। दूसरा है, हमारी जो स्वार्थ है, हमारे जो अभिमान है, इसको लेकर किसी को पक्षपात नहीं करना। हमें मान लेना चाहिए हमारा तो कुछ कमियां होगा, तो अपने ओर देखना चाहिए, इसके लिए कि किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करना चाहिए, उससे मन का प्रसन्नता खो बैठता है। और तीसरा है, मन में दया, क्षमा, उदारता, सकल प्रति कल्याण भाव रखना चाहिए, तभी मन प्रसन्न होगा। मन में सबके प्रति एक उदारता होना चाहिए, सबको कैसे हम मदद कर सके, तो इसको सहानुभूति कहलाता है। जैसे कि अखंडानंद जी का जीवन का गाथा था, कोनु साधुपायश्च
केनाहम सर्वदेहिनाम अंत प्रविश्य सततम सर्वदा दुख भार भाग। ऐसी कोई उपाय है जिससे हम सर्व मनुष्य के भीतर प्रवेश करके उनके जो दुख है गम है वो हम लाघव कर सकें। इसी प्रसन्नता होना चाहिए। और चौथा है कि सबके प्रति कल्याण सदैव कल्याण का चिंता सिंड थॉट ऑफ गुडविल टू ऑल डायरेक्शंस। सबको कल्याण हो सबको भलाई हो। सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे संतु निरामया है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुख में ना रहे सब सुख में रहे शांति में रहे। दूसरों को सुख में ही हमारा सुख होगा। ये प्रसन्नता का लाभ करने का उपाय है। हम समझते हमारा सुख में हमारा सुख कभी नहीं होगा। ये स्वार्थ चिंता जितना कम हो जाए उतना ही हमारा कल्याणकारी है। तो मन को प्रसन्न रखने का उपाय है कि सबके लिए मंगल चिंता मंगल कामना। सबका अगर मंगल हो जाए सबका कल्याण हो जाए उससे हमारा भी फायदेमंद है हमारा मन भी प्रसन्न होगा। तो ये चार प्रकार का वन मनोभाव से अगर हम मन को शांत रखने के लिए निरंतर प्रयास करें तब मन अवश्य शांत हो जाएगा। मन सर्वदा प्रसन्न रहेगा कोई असुविधा नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ द्वितीय पद्धति है सोमत्यम। मन का सौम्य भाव एक है प्रसन्न भाव हैप्पीनेस अनदर इज इक्वैनिमिटी। मन का कभी सौम्य भाव नहीं खोना चाहिए। माइंड शुड नेवर बी अंडर टेंशन। तो अगर हमारे मन में जो क्रूरता है हिंसा है जो वैर्य भाव है ये सब चीज़ हम लोग वर्जन करें भगवान के चरणों में निरंतर प्रार्थना करें मन में ये सब जो भावनाएं हैं वो मन से दूर हो जाए। जब ऐसी मन से दूर हो जाएगा तब मन शांत हो जाएगा। माइंड विल अटेन स्टेट ऑफ मैच्योरिटी काउंटेनेंस उनका जो मन का जो स्थिर होगा कि सबके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप बन जाएगा। तब मन का कोई सोमत्तम नहीं घटेगा। सोमत्तम मतलब क्या है कि अगर हमें कोई कुछ दोषारोप करे कोई कुछ बोल दे कि हमारा कुछ नुकसान पहुंचा दे तब हम अस्थिर हो जाते हैं। वी शुड नेवर लूज अवर इक्वैनिमिटी पॉइज। हमारा जो आंतरिक मन के पूंछ है वातल स्पर्शी होगा। भीतर में हमारे अनंत भगवान अनंत सुख अनंत ईश्वर जी विद्यमान। जो बाहरी का कुछ इधर उधर हो जाने से कुछ नहीं खोबेरता है। वेन वी डाइव डीप विद इन एंड रियलाइज हाउ ग्रेट वी आर हाउ डीप वी आर तो मन का सोमोत्तम कभी नहीं खो सकते। लेट देयर बी सम रिपल्स इन द सर्फेस। वो जो कुछ है ठीक है संसार का धर्म में हो रहा है उससे हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। आई बिकम एवर स्टेडी इक्वैनिमस सब समय अपने मर्यादा में अपने गौरव में विराज होना चाहिए। तभी हमारा जो मानसिक तपस्या सार्थक होगा। एक ओर से हमारा मन का प्रसन्नता बनी रखना है एवं दूसरे ओर से मन की सौम्यता
सम्यक भाव पॉइज वो भी मेंटेन करना चाहिए। फिर इसके आगे है मौनम, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार के अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है, फिर 10 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का प्रवचन है। थोड़ा लेट हो गई, 11 बजे 11:30 बजे शुरू होता है, और शाम को जो भारतीय व्याख्यान के आधार पर युवाओं के व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर द यूथ डिपेंडेंट ऑन इन अकॉर्डेंस विद द आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसके साथ गाइडेड मेडिटेशन भी रहता है, निर्देशित ध्यान, संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।